नमस्कार दोस्तों, आज मैं मुजफ्फरपुर बोचहा श्री अर्जुन बाबू पशु मेला एवं हाट बाजार में आज पहुंच गया हूं। और मैं यहां पे देखा कि बहुत सारा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारा कार्यक्रम आने वाला है और मेला का तैयारी भी बहुत जोरों से चल रहा है। तो आइए हम हमारे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय श्री रामसूरत राय जी से इस मेला के बारे में कुछ जानते हैं और अभी क्या क्या कार्यक्रम हो चुका है और क्या क्या कार्यक्रम होना बाकी है, तो आइए हम मंत्री जी से जानते हैं। मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मेला का आयोजन आपके द्वारा किया गया है, ये 22 तारीख से ही हमको सुनने में आया कि ये चल रहा है, तो अभी तक क्या क्या कार्यक्रम हो चुका है और क्या क्या कार्यक्रम होना बाकी है, ये इसका विस्तार से बताए। चैत्र नवरात्रा के शुभ अवसर पर माँ दुर्गा का प्रतिमा लगाया गया है और माँ दुर्गा के पूरे परिवार का, रामचंद्र भगवान जी के पूरे परिवार के समावेश किया गया है। 101 मूर्तियाँ बनी हैं जो सामने आज पट खुल जाएगा, जिसकी तैयारी पूर्व कलश यात्रा 1001 कुमारी कन्याओं के द्वारा कलश जलबोझी करके लाया गया और 26, 27 और 28 आज देख रहे हैं, आज अष्टजाम का समापन है और शाम में विवाह कीर्तन और पट खुलेगा और कल से आम जनता श्रद्धालुओं के लिए यह मेला तैयार हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, लोग आके अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके अलावा 30 तारीख को चैत्र रामनवमी के शुभ अवसर पर एक भव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा, भव्य शोभा यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें लगभग दर्जनों हाथी, सैकड़ों घोड़ा, गाजे बाजे और जनता के साथ हम लोग लगभग 10 किलोमीटर यह शोभा यात्रा निकालेंगे, जो उत्तर बिहार का भव्य मेला भव्य शोभा यात्रा होती है। और 5 तारीख को इसी मेले के ग्राउंड के पीछे, जहां वो 10 एकड़ का प्लॉट है, जहां पर नेशनल लेवल का कुश्ती होगी, उस कुश्ती में पुरुष महिला सभी लोग शामिल होंगे और यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमाम जगहों से, हरियाणा, पंजाब से पहलवान आ रहे हैं, रेफरी भी आ रहे हैं। तो यह कुश्ती एक इस खासकर उत्तर बिहार के लिए अनोखा कुश्ती होगी, क्योंकि अपने भारत की जो सभ्यता और संस्कृति थी वो विलुप्त हो रहा है, जिसको मैं मिट्टी पर दंगल करा रहा हूँ। आजकल तो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, गद्दे पर कश्ते खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ ओरिजिनल मिट्टी दंगल, मिट्टी का दंगल होगा और इसमें बड़े बड़े पहलवान भी आ रहे हैं, जिनका फोटो भी आप देख रहे होंगे कि लगा हुआ है। और 9 तारीख को मेला का मुख्य आयोजन करवाने वाले सभी घोड़ा मालिक जो सोनपुर में तय किया और लोगों ने कहा कि लगना चाहिए, पहले भी हमारे यहाँ रेस्ट, उन लोगों को मैं धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिनकी प्रेरणा से ये मेला लगा है। वैसे घोड़ा मालिकों को उनका जो घुड़दौड़ प्रतियोगिता खरीद बिक्री तो व्यापारी करेंगे ही, लेकिन अच्छे नस्ल के घोड़े और घुड़दौड़ प्रतियोगिता में जो शामिल होंगे उनका कार्यक्रम 9 तारीख को, रविवार के दिन 9 अप्रैल प्रतियोगिता 9 तारीख को, जिसमें बड़े बड़े उसमें हमको लगता है कि हमारे गिरिराज मुर्मू जी भी पुरस्कार वितरण करने के लिए आएंगे, तो ये कार्यक्रम वो होगा। और 14 अप्रैल को शनिवार के दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का पुतला दहन किया जाएगा और 15 को मूर्ति विसर्जन होगा, मेला का समापन होगा। वैसे व्यापारी भाई गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी वाले सब लोग आएंगे, सब लोगों के लिए पेयजल की सुविधा, बिजली की सुविधा, प्लेग्राउंड सब बन के तैयार। जैसा कि हमको पता चला है सर कि अभी तो ये उत्तर भारत का एक पहला ऐसा मेला होगा कि इतनी संख्या में हाथी यहाँ जुट रही है, सुनने में आया कि 10 से 11 की संख्या में हाथी यहाँ पहुँचने वाले। बोलेंगे आपने चिड़ियाखाना में कुछ पशुपालकों के पास है, हाथी प्रेमियों के पास है, जिसमें 10-12 हाथी यहाँ पर है, जिसमें से उम्मीद है, कन्फर्मेशन मुझे है कि 7-8 हाथी यहाँ आएंगे, शोभा यात्रा में शामिल होंगे। सुनने में आया कि यहाँ मनोरंजन के लिए बहुत सारा साधन मंत्री जी के द्वारा यहाँ कराया गया है, तो क्या क्या है, जैसे इसमें जो फिर अभी हमने पुस्तक बारे में बताया कि जो छपरा के भिखारी ठाकुर जी विदेशिया नाम के जो फेमस थे जो समाप्त हो गया था 25 सालों में, वो ऐसे कलाकारों को भी बुलाया गया, प्राचीन कलाकार जी, 4 गिरोह नाच है जी, टीम है उनका जी, नेपाल को और अपने मुजफ्फरपुर और तमाम सीतामढ़ी के लोग हैं, ये 4 लोग लगभग 4-4 दिन नाचेंगे जी, 4 घंटे 16-17 दिन नाच होगा जी जी, और कल से ही चालू जी, ये पुरानी परिवेश और नए में जो सोनपुर मेले में शोभा सम्राट थिएटर है वो आ चुका है, शोभा सम्राट थिएटर भी आया आ गया है, कैंप तैयार हो रहा है जी, सामने में गुलाब थिएटर का भी कैंप तैयार हो रहा है, तमाम बड़े बड़े झूले भी यहाँ नीचे हैं,
तो बच्चे के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, बूढ़े के लिए भी, गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए भी सारी व्यवस्था की है। जैसा कि हमारे चैनल के द्वारा पहले कहा गया है कि सोनपुर का ही एक अस्तित्व बचाने के लिए मेला रखा जा रहा है, तो आप लोग जैसा कि मंत्री जी के द्वारा आप लोग सुने हैं कि ये थिएटर कंपनियां भी यहाँ आ चुकी हैं और हमारे क्षेत्र के जो प्राचीन कलाकार हैं उन लोगों का भी कलाकारी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस मेला में 30 तारीख से 14 तारीख तक के बीच आप आना न भूलें। आप सभी लोग मंत्री जी के तरफ से प्लस में हिंदुस्तान हाउस दंगल की तरफ से आप लोग सभी लोग आमंत्रित हैं, आना न भूलेंगे 30 तारीख से लेके 14 तारीख तक। नमस्कार। और इस मेला में घोड़े के लिए जो इंतजाम किया गया है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हों या रेस लड़ने वाले हों या मेला करने वाले लोग हों, उनके लिए मेला मालिक द्वारा घोड़ा के लिए टेंट, लाइट, पानी और भूसा का इंतजाम यहाँ पे दिया जाएगा। आदमी का खाने की जहाँ तक बात है तो खुद बनाना और खाना है। और यहाँ पे इस मेले में 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय स्तर का दंगल प्रतियोगिता है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के घोड़े पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ नेपाल से भी घोड़े यहाँ पे आएंगे, तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय भी हम लोग बोल सकते हैं। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में बोचहा मुजफ्फरपुर बिहार में, और यहाँ पे राउंड के रेस के साथ साथ यहाँ पे चीरे का भी रेस का आयोजन है। राउंड के रेस में प्रथम इनाम मोटरसाइकिल और जो घोड़े फाइनल में पहुँचते हैं सबको इनाम दिया जाता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड का अलग रहता है और उसके अलावा और भी घोड़े को इनाम दिया जाता है। और चीरे में अगर 5 घोड़े या 5 घोड़े से अधिक पहुंचते हैं तो चीरे का भी वहां पे सीधी पटरी का भी रेस होगा और उसमें भी प्रथम आने वाले घोड़े को मोटरसाइकिल इनाम दी जाएगी। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में बोचहा मुजफ्फरपुर बिहार में पहुँचिए और इस मेला को सपोर्ट कीजिए। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला जो मंत्री जी आयोजन कर रहे हैं, पहला साल है मेले का, तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए और इस मेला को, इस ईमान को बढ़ाइए। और जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं हिंदुस्तान हाउस दंगल यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज पर हिंदुस्तान हाउस दंगल को आप सर्च करके फॉलो कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आगे नया वीडियो लेकर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।